जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति, आज आप धर्मादि की तरह या धर्म के प्रति विशेष रुचि होगी। दूसरी राशि वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति या मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को चाहिए कि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश पंचरत्न नामक स्तोत्रों का पाठ करें, पन्ना नामक रत्न धारण करें, तो है आपके लिए आज का दिन बहुत सुंदर व्यतीत होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं या थे तो नए पद की प्राप्ति हो सकती है। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव, बेचैनी किसी बात को लेकर घर में हो सकती है, कलह का माहौल हो सकते हैं, इसलिए सचेत सतर्क रहें, सावधान रहें। भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगी। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपको आज कोई अटका हुआ काम कार्य सिद्ध संपन्न हो सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, कृषि या भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, धर्म के प्रति रुझान हो रहेगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको भूमिगत द्रव्य लाभ के संकेत बन रहे हैं, अटका हुआ व्यापार कार्य सिद्ध संपन्न हो सकता है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन वाहन इत्यादि से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे या खरीद बेच सकते हो। दशम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन भूमि से संबंधित कोई क्रय विक्रय कर सकते हो अथवा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आप किसी पद पर प्रतिष्ठित थे तो नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। मांगलिक शुभ सूचना या कोई घर के बड़े दायित्व को आप पूर्ण रूप से निभा सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।